होली का त्यौहार आते ही उत्तर प्रदेश में शराब की बिक्री अपने चरम पर होती है। ऐसे में शराब माफिया सक्रिय हो जाते हैं और अवैध शराब का व्यापार तेजी से पनप जाता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में पुलिस टीम ने बड़ा गुडवर्क कर डाला। प्रयागराज के एसटीएफ टीम और अमेठी की पुलिस टीम के संयुक्त अभियान ने मुखबिर की सूचना पर भारी मात्रा में न सिर्फ अवैध शराब का जखीरा पकड़ा बल्कि इस जखीरे को ले जाने वाले 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। पकड़ी गई शराब की कीमत 1,15,00,000 रुपए है। दरअसल उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में होली के ठीक पहले अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था। ऐसे में मुखबिर की सूचना दी कि अवैध शराब का एक बड़ा जखीरा जल्दी अमेठी जनपद से होकर गुजरेगा। इसके लिए सूचना पर प्रयागराज की एसटीएफ टीम भी पहुंची और सुराग कसी की गई तो पता चला कि मोहनगंज कोतवाली के पास राजा मऊ के करीब 2 डीसीएम में भारी मात्रा में अवैध शराब मौजूद है। इसके बाद पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी की और घेर कर इन तस्करों को पकड़ा गया। पकड़े गए 3 तस्करों के पास से लगभग 1,15,00,000 रुपये की अवैध शराब का जखीरा बरामद किया गया है। इस शराब को पंजाब से बिहार तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। तीनों शराब तस्करों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया है। थाना मोहनगंज पुलिस द्वारा एक बड़ी सफलता प्राप्त की गई है, जिसमें 2 ट्रक, जिसमें एक यूपी की नंबर प्लेट वाला है, एक पंजाब की नंबर प्लेट वाला, दोनों ट्रकों से 3 अभियुक्त 827 पेटी अवैध शराब लेके जा रहे थे, जो हरियाणा पंजाब साइड से स्मगल होकर शराब आ रही थी। और उसमें मुख्यतः 3 ब्रांड की शराब है, जिसमें ब्लू ब्लैक और नेवी ब्लू और मैकडॉनल्ड्स की शराब है, जिसकी लगभग कीमत 1,15,00,000 रुपए की मार्केट वैल्यू है। और टोटल बरामद की 7,328 लीटर शराब बरामद हुई है। और इनके साथ से कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए हैं, जिनमें ये हर जगह नाके या पॉइंट्स पे दिखा रहे थे कि ये कूड़े का, कचरे का, कबाड़ का जो भरा हुआ ट्रक है वो जा रहा है। तो इन्होंने अपने ट्रक्स में फिलिंग इस तरह से की थी कि सबसे नीचे इन्होंने शराब के कार्टन्स रखा दिए थे, उसके ऊपर कुछ ब्लैंक कार्टन्स रखे थे और ब्लैंक कार्टन्स को पूरा कबाड़ से उसको घेर दिया था। अमेठी से अरुण गुप्ता की रिपोर्ट। सच्चाई वही जो हम बताएं।